हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग कैफे में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ प्याज का पाउडर और लहसुन का पाउडर घर पर कैसे बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। कई बड़े बड़े सिटीज़ में या बड़ी बड़ी ग्रोसरी शॉप में ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में अभी आसानी से ये मिल नहीं पाता है। तो हम इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये आपने बनाया है या नहीं और किस तरह का बना है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर। इसके लिए मैंने लिए है लहसुन और इसे मैंने अच्छी तरह से पील कर लिया है। इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप नाइफ से इसे कट कर सकते हैं, चॉपर में चॉप कर सकते हैं या फिर पेस्टल में इसकी पेस्ट बना सकते हैं। तो हम तीनों तरीके से इसको कट करेंगे। सबसे पहले मैं नाइफ लूँगी और नाइफ की सहायता से इसकी छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि नाइफ से भी मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम पेस्टल में इसकी पेस्ट बनाएंगे। हमें फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, इसके थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखने हैं। आप मिक्सी में भी इसे अच्छी तरह से पीस सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी फाइन पेस्ट बन जाती है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें थोड़े थोड़े बड़े पीसेस चाहिए, इसलिए मैं इसमें इसकी पेस्ट बना रही हूँ। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन का पाउडर बनाते हैं तो इसको चॉप करने के लिए आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है इसमें चॉप करना और ज़्यादा पेस्ट नहीं बन जाते, बड़े पीसेस रहते हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि तीनों तरीके से हमने बहुत अच्छी तरह से इस लहसुन को चॉप कर लिया है। अब हमें इसे धूप में सुखा लेना है। यदि समर जैसी धूप हो तो ये 2-3 दिन में आसानी से सूख जाता है। यदि नहीं हो तो 3-4 दिन लग सकते हैं इसे सुखाने में। और सुखाने के बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। मेक श्योर कीजिए कि अच्छी तरह से सूख जाए और बहुत ही क्रिस्पी हो जाए, तब इसका पाउडर बनेगा, वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आप इस पर कोई कपड़ा ढक लीजिए और इसे सुखाने के लिए रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ये लहसुन है वो अच्छी तरह से धूप में सूख गया है और 4 दिन लगे हैं मुझे इसे सुखाने में। इसे प्रेस करते ही ये टूट जाता है, इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से सूख गया है। अब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। हमें मिक्सी जार में इसे अच्छी तरह से पीस लेना है और इसका पाउडर बनाना है। पाउडर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। ध्यान रहे कि ये बाहर ना रहे ज़्यादा देर तक, वरना ये ख़राब हो जाता है। और धूप में यदि अच्छी तरह से सूख गया होगा तो ये 1 मंथ तक बिल्कुल अच्छी तरह से चलेगा। मैंने 1 मंथ तक इसे रखा है और ये अच्छा रहा है। फ्रेंड्स, बाहर जो भी पाउडर मिलता है, ओनियन हो या गार्लिक पाउडर मिलता है, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा दिनों तक चलता है। इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है और मैंने 1 मंथ तक इसका एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये अच्छा रहेगा। बाद में यदि खराब हो जाता है वो मुझे मालूम नहीं है। तो यदि आप ज़्यादा दिनों तक रखते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि नहीं बनाया है तो घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम बनाएंगे प्याज यानी कि ओनियन का पाउडर। इसके लिए मैं नाइफ की सहायता से ओनियन को पील कर लूँगी और इसके पतले पीसेस बनाएंगे हम। पतले पीसेस में कट करना है, बहुत ही ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं बनाने हैं, पतले बनाने, ताकि धूप में ये आसानी से सूख जाए। मेक श्योर करें कि धूप बहुत ही अच्छी हो, कड़ी धूप हो, तब ये पाउडर अच्छा बनेगा। यदि हवा में थोड़ा सा भी झाग होगा तो ये ओनियन बिगड़ जाएगी, उसका पाउडर है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। अच्छी तरह से ये सूखेगी नहीं तो इसका पाउडर भी अच्छा नहीं बनेगा।
मैंने भी एक दो बार ट्राई किया है, लेकिन अच्छी धूप ना होने की वजह से ये बिगड़ गया था। तो आप भी जब भी इसका पाउडर बनाते हैं तो धूप बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही ये पाउडर अच्छा बनेगा। इसे हम हाथों की सहायता से उसके जो पीसीज है उसे अलग कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे धूप में सुखा लेंगे। इसको सुखाते वक्त ऊपर पतला सा कपड़ा रखिए ताकि बाहर की डस्ट है वो अट्रैक्ट ना हो और अच्छी तरह से सूख भी जाए और खराब भी ना हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी अच्छी तरह से सूखकर तैयार हो गई है। इसे सुखाने में मुझे 6 दिन लगे हैं और इसे प्रेस करते ही ये आसानी से टूट जाती है। तो इसका मतलब ये है कि प्याज हमारी अच्छी तरह से सूखकर तैयार हो गई है। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑनियन पाउडर बन के तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से इसका पाउडर बन गया है। इसे हम किसी एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे। यदि बाहर रखेंगे तो ऑब्वियसली खराब हो ही जाएगा, तो इसे कंटेनर एयर टाइट कंटेनर में ही हमें रखना है। मैंने 15 दिन इसका यूज़ किया है, ज़्यादा मैंने इसे नहीं रखा है। तो यदि आप 15 दिन से ज़्यादा रखते हैं तो किस तरह की केयर करनी पड़ती है इसे अच्छी तरह से रख पाने के लिए, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।